तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ये रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये रॉड बेसिकली यहाँ से एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है, और ये डिस्टेंस यहाँ से बेसिकली ये डिस्टेंस स्मॉल a है, और ये यहाँ से स्मॉल a पर सिचुएटेड है। अब क्या इनमें अट्रैक्शन हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? ऑब्वियसली देखो, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हो तो रहा होगा भाई, मास है तो आपस में इंटरेक्ट तो करेगा, ऐसा न्यूटन का कहना है। भाई मुझे सपने थोड़ी आए थे, मैं कह रहा हूँ। तो अब जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो पॉइंट मास के लिए लगता था, तो सबसे पहले मैं पॉइंट मास बनाऊंगा। तो ये जो रॉड था, उस रॉड पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डीएम, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट मास ही है, ये पॉइंट मास होगा डिफरेंशियल एलिमेंट। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, दैट इज डी एक्स। तो ये डी एक्स मैं थिकनेस ले लेता हूँ, और ये जो डी एक्स है यहाँ से ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एल। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए प्लस एल हो जाएगी, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये लिमिट जाएगा। तो अगर मैं न्यूटन्स इनमें अट्रैक्शन निकालना है, तो ये जो छोटू पॉइंट मास है, ऐसे छोटू पॉइंट मास से मिल के रॉड पूरा बना होगा, छोटे छोटे डीएम से मिल के बना है। अगर मैं इन छोटे छोटे डीएम को निकालने में सक्सेस हो गया तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो इन छोटे डी एफ स्मॉल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, पहले मैं उसको निकालता हूँ। स्मॉल फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल जी डी एम स्मॉल एम ओवर एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर जो डी एम की वैल्यू है, मास पर यूनिट लेंथ, डी एक्स भाई मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ वाइज है, तो मास लेंथ वाइज है, तो डी एम एक्स हो, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से तुम देखोगे जो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, डी एफ दैट इज कैपिटल जी स्मॉल एम ओवर एक्स स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाई छोटा लेंथ डी एक्स, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखो, कैपिटल एम स्मॉल एम और एल, और वन अपन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, दैट इज द डी एफ स्मॉल फोर्स। अब हमें टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्योंकि अगर तुम देखोगे अच्छे से, तो ये जो इस डीएम को ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे हर एक एलिमेंट, ऐसे रॉड का हर एक एलिमेंट छोटे छोटे पीस में ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देता हूँ, ऐसे हर एक एलिमेंट ऐसे अट्रैक्ट हो रहा होगा मेरे भाई, छोटू छोटू डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर लिमिट लिमिट देखो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्स की वैल्यू जा रही है ए, तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एल, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ, तो यहाँ बचेगा एफ, और यहाँ बचेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर एल, और इसका इंटीग्रेशन वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन वन अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए प्लस एल। तो फाइनली जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल और ए आ जाएगा, लिमिट रखोगे तो वन अपन ए माइनस वन अपन ए प्लस एल। तो फाइनली थोड़ा और सुंदर तरीके से लिखो, ये जो सुंदर तरीके से लिखने में बहुत ही मज़ा आता है, और ये हमें काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ऊपर में ए कट गया, ए प्लस एल माइनस ए, और ए प्लस एल, तो माइनस ने माइनस को खा गया, तो जो बचा जो फोर्स की वैल्यू बची वो बची जी एम स्मॉल एम ओवर, यहाँ से देखोगे ए प्लस एल, तो दिस इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द स्मॉल पॉइंट मास एंड रॉड। तो ये एल एल ने खा गया। तो ये जो अगर एक रॉड है और वो रॉड थीन रॉड है, और एक पॉइंट मास यहाँ पे जमा पड़ा है, और रॉड का मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है,
तो इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो ए वाला चीज़ है, ठीक है। अगर मान लो ये जो डिस्टेंस ए है, ये जो डिस्टेंस ए बहुत ज़्यादा दूर हो, पॉइंट मास फार अवे हो, इफ़ ए अप्रोच टू इन्फिनिटी, मतलब ए बहुत ज़्यादा दूर हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल अप्रोच टू जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ एफ की वैल्यू इज इक्वल टू जी, कैपिटल एम इज इक्वल टू, और एल की वैल्यू ए स्क्वायर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से देखोगे तो ये जो रॉड है रॉड नहीं रहेगा, पॉइंट मास की तरह दिखाई देगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से देखोगे फार अवे, तो ये दोनों जो है वो पॉइंट मास की तरह दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा दूर, मतलब ये अगर इन्फिनिटी से देखोगे तो कूलाम्स लॉ के बराबर फोर्स लगेगा। तो आई होप कि इस इरोडो के इस तीनों पार्ट के प्रॉब्लम तुम देखे होगे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तीन पार्ट्स मिलके बना था, तीन मेजर पार्ट थे, तीन को मैंने तीनों को अलग कर दिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।